चार पांच आदमी वहाँ खड़ा था, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो उसने खींच लिया। उसके बाद कमर से हथियार निकाला, लहराने लगा, मेरे माथे पर सटा दिया, लगा कि 5 लाख रुपया 5 दिन के अंदर में दो, मनरेगा से अभी तुमको बहुत पेमेंट हुई है, बहुत रंगबाजी देते हो, घर में सभी लोग जॉब में है, नौकरी को पैसा चाहिए, नहीं तो जान मार देंगे, और अगर रास्ते से आते जाते हो किसी समय गोली मार देंगे, कोई नहीं बचाने वाला। प्रशासन से चाहते हैं कि अपराधी को जो है सख्ती से उसके साथ पेश किया जाए, उसे जो है जेल भेजा जाए और हमारी जो है सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। कहे कि बहुत सारे मुखिया जो है उसकी हत्या हो गई है, मुझे डर लगता है। वो नशा में धोता प्रदीप यादव, प्रदीप यादव था, शिबू यादव था, और एक अंकित है, उसके साथ 3-4 लोग और भी थे जिसको हम नहीं पहचान सके। हथियार सटाने वाला आपको प्रदीप यादव, भागलपुर जिले के सनहोला थाना अंतर्गत पोठिया पंचायत के मुखिया कुंज बिहारी चौधरी को बालू माफियाओं ने सटाया हथियार। दिन दहाड़े मुखिया कुंज बिहारी को बीच सड़क पर गाड़ी रोक कर मांगे 5 लाख की रंगदारी। मुखिया ने लिखित शिकायत नजदीकी सनहोला थाने में दिया है। मुखिया ने लगाई है न्याय की गुहार। मुखिया कुंज बिहारी ने कहा कि हम सनहोला जा रहे थे अपने निजी वाहन से। इसी क्रम में महियामा गांव के पास बालू माफिया प्रदीप यादव एवं उनके साथ कई बदमाशों ने हमारे गाड़ी को हथियार के बल पर रोक लिया और गाली गलौज करने लगा। साथ ही मेरे सिर पर हथियार सटाकर नगद 23,000 एवं सोने का चेन छीन लिया। कहने लगा कि तुम्हारे परिवार में सभी का नौकरी है एवं मनरेगा फंड से बहुत पैसा कमाया है, 5 दिन के अंदर 5 लाख रंगदारी दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। इसके साथ ही कहा कि यह सूचना अगर पुलिस को दिया तो दिन रात तुम इसी रास्ते से चलते हो, किसी भी समय गोली मार देंगे। इतने में ही सुरक्षा से और वाहन गुजर रहे थे, इसे देखकर वह हथियार को कमर में रखकर भाग निकला और मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। रास्ते से ही प्रशासन को सूचना दी, पुनः थाना आकर लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है। क्या सुशासन बाबू की सरकार में बदमाशों की मोनोपोली बढ़ गई है? क्या सुशासन बाबू की सरकार कुशासन में बदल गई है? जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आगे देखना यह होगा कि प्रशासन कहां तक इस मामले में सफल होती है। क्या सुशासन बाबू की सरकार में ऐसे ही अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा? क्या ऐसे अपराधी पर प्रशासन कड़ा शिकंजा कसेगा? ऐसे अपराधी पर प्रशासन को जल्द से जल्द अपनी हिरासत में ले लेनी चाहिए। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्या परेशानी हुआ आपके साथ? हम अभी संध्या के 7 बजे करीब सनहोला जा रहे थे कुछ अपने निजी काम से, हमारे साथ और भी लोग थे। महियामा के पास जब हम लोग पहुंचे तो 4-5 आदमी वहां खड़ा था, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का हाथ दिया गया, हम लोग गाड़ी रोके लगा कि कुछ काम है, और हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। मैं जब रुका वो गाली गलौज करने लगा, और मेरे गले में जो मैं बहुत दिन से लोग देखते भी थे, काफ़ी पूरे पंचायत या प्रखंड किसी से भी पूछिएगा, मेरे गले में एक सोना का चैन था जो कि मैं मुखिया बनने से पहले से भी पहनता हूँ, और वो उसने खींच लिया। उसके बाद कमर से हथियार निकाला, लहराने लगा, मेरे माथे पर सटा दिया, और मेरे पास लगभग 23,000-24,000 रुपया था जो वो पैसा ले लिया, और बोलने लगा कि 5 लाख रुपया 5 दिन के अंदर में दो, मनरेगा से अभी तुमको बहुत पेमेंट हुई है, बहुत रंगबाजी देते हो, घर में सभी लोग जॉब में है, नौकरी में है, हमको पैसा चाहिए, नहीं तो जान मार दें, और अगर तुम प्रशासन को जानकारी दोगे तो दिन रात इसी रास्ते से आते जाते हो, किसी समय गोली मार देंगे, कोई नहीं बचाने वाला। और वो नशा में धोता प्रदीप यादव, प्रदीप यादव था, शिबू यादव था, और एक अंकित है, उसके साथ 3-4 लोग और भी थे जिसको हम नहीं पहचान सके। हथियार सटाने वाला आपको प्रदीप यादव। हाँ, और क्या? और मेरे गाड़ी पर जो वो हाथ मार रहा था वो शिबू यादव था। उसके बाद पूरा जो है मेरे साथ जो दो लोग थे काफी डर गए,
लेकिन ये जो है झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली जो सड़क है ये काफी चालू है। उधर से जब वाहन आ रही थी तो ये वाहन को देख के, गाड़ी को देख के, पैसेंजर गाड़ी को देख के ये हथियार अपने कमर में रख लिया। जैसे ही हथियार हमारे सर से हटाया, हम जान बचाकर वहां से किसी तरह हम सनौला की तरफ भागे अपने गाड़ी को लेकर स्टार्ट करके। उसके बाद वो जो है पीछे से भी हमको गाली गलौज किया, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। हम तुरंत प्रशासन को फोन लगाए, मेरे साथ इससे ऐसे घटना हुई और हम थाना आ रहे हैं। हम थाना गए, हम जो है एप्लीकेशन दिए हैं थाना प्रभारी महोदय को, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ उचित कार्रवाई होगी, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और वो जो प्रदीप यादव है क्रिमिनल माइंडेड है, उसका भाई भी क्रिमिनल है, आए दिन घटनाएं होती रहती है, बराबर जेल जाते रहता है। वो लोग बालू माफिया भी है, बालू उठवाता है वो लोग नदी से, शराब के नशे में धुत रहता है और दिन रात किसी को भी गाली गलौज करने के लिए आतुर है, मारपीट करने के लिए आतुर है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कोई चोर बदमाश नहीं है, जनता के काम के लिए हर हमेशा हमको, हमारा प्रखंड है सनौला और मेरा गांव जो है महियामा से पीछे है, उसका गांव आगे में पड़ता है, दिन रात मेरा आना जाना होते रहता है। क्या बजे का ये घटना? 7 बजे शाम की। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं कुंज बिहारी चौधरी, जदयू नेता, अभी मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत पोठिया का मैं मुखिया हूँ और मैं थाना प्रभारी से और अपने SSP साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरी जान की रक्षा की जाए। मैं दिन रात पब्लिक का सेवा करता हूँ, मैं 10 बजे 12 बजे 1 बजे कभी भी कोई मेरे पब्लिक को परेशानी होती है, मैं हॉस्पिटल हो या और भी किसी काम से मैं जाना आना करता रहता हूँ। और वो अपराधी है, किसी समय वो कुछ घटना को अंजाम दे सकता है। उसका कहना है कि 5 लाख रुपया मुझे चाहिए, नहीं तो जान मार दूंगा। आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि अपराधी को जो है सख्ती से उसके साथ पेश किया जाए, उसे हम जो है जेल भेजा जाए और हमारी जो है सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। कहे कि बहुत सारे मुखिया जो है उसकी हत्या हो गई है, मुझे डर लगता है।